ए रुको, अरे गुंडा कहीं का, तू तो पढ़ा लिखा है ना, दिमाग से पैदल है क्या? अगर धंधे की जगह पर ऐसा करोगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? ये धंधा चौपट करके घर में चुपचाप बैठना चाहता है? राहुल तेरा ही दोस्त है ना, वो कभी किसी से झगड़ता है? अपने काम पे जाता है, चुपचाप काम से आ जाता है। लेकिन तू ऐसा क्यों है? तुझे अपने बेटे की तरह मानता हूं, मेरा नाम खराब करेगा क्या? गांव से आने पर बोल रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, और गुंडागर्दी करता है। क्या हुआ पिताजी? इसी से पूछ ले, अच्छी बात होती तो सीना तान के खड़ा होता, गलत काम जो किया है इसीलिए ऐसे खड़ा है। तूने ऐसा क्या किया कि पिताजी गुस्सा हुए? ये नहीं बोलेगा, ये अभी अभी 4-5 लोगों के साथ यहाँ पर मार पिटाई कर रहा था। गौतम, क्या ये सच है? वो तुझे मारने क्यों आए थे ये बताना। अभी तो कहा ना यार, माला के साथ सिनेमा देख रहा था, वहीं पे प्रॉब्लम हुई। अब मैं क्या करता, मैंने चुपचाप पिक्चर देखना चाहा, लेकिन पीछे बैठा एक लड़का माला को बहुत देर से परेशान कर रहा था। माला मेरे साथ बैठी हुई थी, वो अकेला था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इज्जत जाएगी, दिया एक खींच के उसे। वो वहां से उठ के भाग गया, बाद में देखा 3-4 को लेकर आया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आगे देख ना पीछे देख, मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे जाने के बाद 3-4 लोग आ गए। अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ? मैंने उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने। इतना समझाने पर भी वो नहीं माने तो मैंने उन्हें धो डाला। उसके बाद वो गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगे, बेचारे समझकर छोड़ दिया। कुछ भी हो, तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करूं, ये मेरे खून में जो है, कोशिश करूंगा। तुम ऑटो पकड़ के ऑफिस चली जाओ। ये क्या बहन जी, 5 रुपए क्या ज्यादा मांग लिए? माँ और बेटी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, अरे ये भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे पैसे क्यों फेंक रहा है? इसी मंदिर की कुंडी में डाल देना, जाओ। वो देखो माँ, राहुल जा रहा है। राहुल, ए ए राहुल। ओहो, फंस गया रे। इतना तेज क्यों चलाता है? ऑफिस का टाइम हो गया ना, तो उसके लिए इतनी तेजी से चलाएगा, अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। हेलो, हाय गौतम, तुम कैसे हो? हे गौतम, आई लव यू, आई लव यू गौतम। Hey, कौन है फोन पे? लगता है रॉन्ग नंबर है, मैंने तो पहले ही कहा था ना। ए, तुझे से कह रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड आने वाला है यहाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, जब तक तेरा फ्रेंड आएगा मैं कंपनी दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं यार, तू निकल। तो यही है क्या तेरा फ्रेंड? ए, सॉरी यार, सॉरी, कुछ बोल के वापस मत भेजना प्लीज यार। हाँ। अबे क्या है? गौतम, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। क्या हुआ, धूप में धक्का मारने की मन्नत मांगी है? मुझे देखने से ऐसा लगता है गाड़ी पंचर हो गई है। गाड़ी पंचर हो गई हो तो मैकेनिक के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? क्या ये नहीं जानती हूँ? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? ओफो, प्रैक्टिकल्स के लिए देर हो रही है, पूरे 10 बज चुके हैं, ऊपर से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, कितना टेंशन है मुझे। टेंशन क्यों ले रही हो, बोलो मैं क्या करूँ? मुझे ड्रॉप करके आओ। इस गाड़ी पर कैसे बैठ के जाएंगे? हाँ? ये ले, जानबूझ के हवा निकाल दी होगी। ये बताओ, तुम स्टाइल से कूलिंग ग्लास पहनते हो ना, कहाँ गया वो? हाँ, खो गया है। खोया वोया तो नहीं होगा, जरूर तुम्हारा चाहने वाला कोई उठा कर ले गया होगा। चुपचाप बैठोगी? ए, जरा रुक 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 रुक, क्यों मैडम,
पहली बार बैठ रही हो क्या? अपने लवर की कमर टाइट से पकड़ लो। क्यों भाई, ये सिखाते नहीं हो क्या? ये क्या, वो मजाक उड़ा के जा रहे हैं? तुम चुपचाप गाड़ी चला रहे हो, दो जमा के देने चाहिए ना। चल उतर, उतर ना ऑटो। लड़कियों के लिए झगड़ा करना ठीक नहीं होता है, तुम आराम से ऑटो में जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे देख क्या रहा है, चल ना। तू यहाँ पे क्यों लेकर आया? माला का आज बर्थडे है, ट्रीट देने के लिए कहा। तेरे बिना मैं कैसे यार, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा फिर कभी मत करना। ये तो क्या बोल रहा है यार, उसे दुख पहुँचेगा, वो भी हम में से एक है ना। ये सब तू अपने आप बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलता हूँ। ए काना छोड़ मुझे। तू आ, तुझे भी देखता हूँ। मैं पहले ही जानती थी वो यहाँ आया तो प्रॉब्लम होगी ही, पर तुम नहीं माने। कैसा आदमी है वो? ए किसके बारे में ऐसा बोल रही है? मैं तुझे 4 साल से ही जानता हूँ, लेकिन वो और मैं 20 सालों से हैं। कल हमारे बीच अगर कुछ हो गया तो दूसरे के साथ चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा। क्या है, जरा गुस्से वाला है, बस इतना ही। बड़ी आई उसके बारे में बोलने वाली, अब से उसके बारे में मत बोलना। ये बेकार निकली। अरे वहाँ देखो। Hey, just look at that guy, कैसे बाल बना रहे हैं। लगता आज जरूर फंसेगा। ला इधर, मैं जाती हूँ। जरा संभाल के। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बोलिए ना। ये एड्रेस कहाँ है बताएंगे? ओह ये जगह, मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं सर, आपको कोई और काम होगा मैं चली जाऊंगी, कैसे जाना ये बता दो। नहीं नहीं, इससे जरूरी और कोई काम है ही नहीं, चलिए बैठ जाइए। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, तुम अकेली जा रही हो। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 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 जी, मैं चली जाऊंगी। अरे ऑटो में जाओगी तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। दो तो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात मानिए। हेलो, चल निकल निकल निकल। इनके बारे में मैं नहीं जानती क्या? आज तो जीत गई है, ट्रीट क्या देने वाली है, शाम को पार्टी पक्की ना। अब तो फंसेगी। हे मैं जिसे बताऊंगी अगर उसे फांस लिया तो 1 more 500। अरे बताना, देख लूंगी। वो देख ब्लू शर्ट में दाढ़ी वाला जो आ रहा है। ठीक है, अभी देखती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस कहाँ है बताएंगे? उसे एड्रेस मत बताना। यहाँ से सीधे जाकर सेकंड लेफ्ट लेंगी, उसके बाद थोड़ी दूर जाएंगी तो राइट साइड में चंद्रा हॉस्पिटल आएगा। वहाँ से ठीक 10वीं बिल्डिंग एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके पूछ ले, वो खुद तुझे छोड़ देंगे। चलट। ये सही किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब से तुझे या उस लड़के को कुछ नहीं कहूंगा। मेरी गलती है यार, कहो तो सबके सामने माफी मांगू। सर यहाँ आइए, मैं राम प्रसाद। तुम जाओ। तू क्यों इस तरह से कर रहा है यार, तू मुझसे माफी मांगेगा? कोई तेरे बारे में कुछ बोले तो मुझे दुख होता है, ये बात तो समझता क्यों नहीं? मैं खुद चिंता नहीं करता हूँ, फिर तू क्यों चिंता कर रहा है? जा हाफ डे छुट्टी ले ले, बाहर चलते हैं। ऑलरेडी मैंने छुट्टी ले ली है। तो फिर सोच क्या रहा है? दरअसल वो पहले से ही बहुत अपसेट है, उल्टा मैंने भी उसे उस दिन डांट दिया, इसलिए सोचा माला से मिल के आ जाऊं। अगर तू मना करेगा तो नहीं जाऊंगा। जा उसके पास जा। उससे भला क्या पूछोगे, ये बात तो हमें ही पक्की करनी है ना। फिर भी एक बार उससे पूछ लेना सही होगा ना। वो क्या मेरी बात को टालने वाला है? ये लो वो खुद आ गया, चाहो तो पूछ लो। राहुल, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहा? संध्या से तेरी शादी, खुश तो हो ना? मैं अभी आता हूँ। वैसे ही बहुत शर्माता है, शादी की बात पे और शर्माएगा। क्या हुआ, मुरझाया सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है?
जानता था, तेरी शक्ल देखते ही मैं अच्छी तरह समझ गया था। बोल, किसी की शादी करवानी है क्या? नहीं, शादी को रोकना है। ये क्या बोल रहा है? संध्या के साथ मेरी शादी तय कर दी है। ये बात है? ये तो अच्छी बात है ना यार। ए, मजाक मत कर यार, मैं पहले से ही परेशान हूं, तू कुछ भी करके ये शादी रोक दे। तू तो शादी तोड़ने में मास्टर है ना। मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा क्या? ए, मेरी हालत समझना यार, तू पिताजी से बात करेगा तो वो मान जाएंगे। क्या है? चल जा। जैसे जन लोकपाल बिल की बात कर रहे हो। क्या बोला? वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं करता है, ऊपर से ऐसा करूंगा तो उस घर में मेरा घुसना मुश्किल हो जाएगा। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, तू चुपचाप ये शादी कर ले। मैं माला से शादी करूंगा, तू मेरी मदद करेगा या नहीं? तुझे देखने से दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझसे नहीं होगा यार। मेरी बात का बुरा मत मानना यार, राहुल का केस बहुत सीरियस हो गया है। तो इसमें मैं क्या करूं यार? कुछ नहीं यार। ए, कहता है माला से प्यार करता हूं, लेकिन रोड पे कोई और दिखे तो उसके पीछे जाता है, इस पर भरोसा कैसे करूं? वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए करता है, लेकिन माला से सच्चा प्यार करता है, मैं जानता हूं। वो उसके बिना मर जाएगा यार। जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है राहुल। क्या, मैं कैसा सोच रही हूँ? वो किसी से प्यार करता है। वो प्यार करता है? वो ये सब भी करता है और उसी से शादी भी करेगा? तो करने दो ना संध्या, ये कोई मजाक की बात नहीं है। घर में राहुल की तेरे साथ शादी की बात चल रही है, क्या तू नहीं जानती? सच में नहीं जानती हूँ, अगर जानती भी होती राहुल से शादी करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे जैसे किसी लड़के के साथ, ये बात अच्छी तरह जान लो। अपने टेंशन दूसरों को देखकर तू यहां आराम से सो रहा है? यार तूने मुझे लात क्यों मारी? अबे उल्लू, अभी अभी संध्या से मिलकर आ रहा हूं। संध्या से जाकर तू क्यों? ए, तू भी खिलाड़ी है यार। ए, तूने कुछ न कुछ बोल के उसका मन बदल दिया होगा। अरे मैं क्या बदलूंगा, वो खुद ये शादी नहीं चाहती है। वो भी नहीं चाहती? क्यों? हाँ, वो भी किसी से प्यार करती है। किससे? वो नहीं जानता। अरे कोई भी हो, मुझे क्या, संध्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब बस पिताजी बचे। तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी शुरू हो गई ना। जिगरी दोस्त कुछ भी कर सकता है, तूने साबित कर दिया। थैंक्स यार, चलता हूँ। नया मॉडल है, चाहिए क्या? बस एक ही पीस बचा है। अभी नहीं। इट्स ओके। थोड़ा मेरे नजदीक आना। ये लव करने पर क्या होता है? मैं नहीं जानता। तूने किसी से प्यार किया है क्या? मेरी मौत आई है जो किसी से प्यार करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ में रहकर। हाँ, हालांकि कई सारे ऑफर आए थे लेकिन तुम्हारे डर के मारे मना कर दिया। वो नहीं कह रहा हूँ यार, अब जैसे हम लोग सीधे जा रहे हैं ना। हाँ। तब अचानक कोई बीच में आ जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं और कौन बीच में आ गया? कई दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं तो बस एक ही दिन तुम्हारे पीछे आया था, मुझे माफ कर दे यार, अब से मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मेरे ऊपर अपना गुस्सा मत निकालना। इधर आना। मैं नहीं रुकूंगा। मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है। अचानक मुझसे ये प्यार की बात कर रहा है? सनी दे, सनी दे,
हाँ बोल, मैं गौतम बोल रहा हूँ। आज ठीक 7 बजे छोड़ा रेस्टोरेंट आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओके? भूल मत जाना, ठीक 7 बजे, ओके? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। इतनी देर तक इंतजार करवाया जाता है, चलो कोई बात नहीं। सॉरी। अरे जल्दी आओ ना। अरे रुको रुको, आता हूँ। ये है अरविंद, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने बोला था ना, तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का, वो यही है। मुझे क्यों मार रहा है? तुम लोग हो कौन? मुझे क्यों मार रहे हो? शराब पी हुई है क्या? है? नहीं है? ये कैसे हुआ? बाइक चलाते समय मैं नीचे गिर गया। ए! झूठ मत बोल, क्या हुआ था? अरे कहा ना मैंने। अबे बता भी। नहीं जानता, अचानक 4 लोग आए, मार के चले गए। तूने कुछ किया था? नहीं। वो कौन थे पता है? ठीक है, हुआ कब था? 2 दिन पहले नहर के पास। शनिवार शाम को एक बाइक वाले को 4 लोगों ने मिलके मारा। वो कौन थे पता है? ऑटो पांडे। अरे अरे ये आवाज कैसी? अरे पांडे को कोई मार रहा है। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? जो पैसे लिए थे वो लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो। बोल कौन था? लड़की के बाप ने दिए थे। ए, कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? ये है कौन? अरे ये तू खिड़की क्यों बंद कर रहा है? तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे अरे वो मत उठा रहा, वो मत उठा। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं उसे मत तोड़ो। ये क्या कर रहा है? छोड़ दो, पागल हो गया है क्या? क्या कहा? यही कि तुम गुंडे हो ना? ए, कौन है गुंडा? मैं या तेरा बाप? तू राहुल को गुंडों से बिटवाता है? अरे ना ना, एक ही मेरो ना। क्यों? तेरी बेटी भी तो घूमती थी, उसे मारना। जो ये इस तरह नहीं मारेगा। तेरे बाप ने किसी अमीर बाप की औलाद देख ली होगी और तू मान गई होगी और कपड़े की तरह लड़के को भी बदल दिया। ये सब और कितने दिनों तक चलेगा मैं भी देखता हूँ। जी तो करता है मैं तुम सबको। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? माला तुम यहाँ कैसे? ए मुझे कुछ नहीं हुआ है, रो क्यों रही है? हाँ? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। माला प्लीज माला रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। रो क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, प्लीज माला। ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोना बंद करो, इनकी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो, रोना बंद भी करो। मंगल्यम दंतुनानेना नवदूतनकेतुना पंडे गत्वांग सर्वसदम धरम। We'll be right back.
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे आसपास रहूंगी। जब तक मुझे चाहने ना लगो मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ तो देखेंगे। तुम कैसे हो गौतम? आई स्टिल लव यू गौतम। आई लव यू गौतम। हे, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। ना मैं तुम्हें भूल पाऊंगी और ना ही कभी भुला पाऊंगी। अभी भी तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। ये लो, तुम यही ढूंढ रहे थे ना, ये याद है ना? बोल रही थी उसके लवर की पसंद है। तुम्हारे लिए मैं 10 साल भी इंतजार कर सकती हूँ, शायद तुम तब तक मेरे प्यार को समझ लो और मैं तब तक तुम्हें फॉलो करती रहूंगी। ए, तुझे जिसकी तलाश थी तेरी आंखों के सामने है, छोड़ना नहीं।